नीत बहुत गलत कर रहा है तू यार। मानुषी, अरे वो लड़की जिसने कभी तेरी कोई कदर नहीं की, उसे घाव बना के सीने से चिपका के घूम रहा है, तुझे याद भी है? नशे की हालत में तूने क्या किया भाभी के साथ? मैं बताता हूं, एक पल में बोलता है आई लव यू मीत भाभी को, और दूसरे पल आई लव यू मानुषी। मानुषी, मुझे पता भी है भाभी भी क्या बीती होगी सुन के। वो मीत भाभी जिन्होंने कभी तेरे लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की, तुझे खुशी देने के लिए, तेरे सपने पूरे करने के लिए अपने इमोशन अपने फीलिंग को मार के चुपचाप जी रही है, पता है क्यों? कि तुझे खुशी मिले। अब तू बता, तू उनके साथ गलत नहीं हो गया? हाँ वीर, तू बहुत गलत कर रहा है, अपने साथ भी और भाभी के साथ भी। माता रानी, आज आपने दौड़ू राम के साथ कुछ गलत ना होने दिया, उसके लिए थैंक यू। पर मैं मन्नू दीदी वाली बात छुपाकर ठीक ना कर रही उसके साथ, पर मैं क्या करूं, मां ने कसम दी है, कसम तो ना तोड़ सकती ना। दीदी ने अपनी जिद में, अपने मतलब में दौड़ू राम का दिल तोड़ा, उसने धोखा दिया, क्यों ना होना चाहिए था इसके साथ। मीत सुनो, मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं या सॉरी मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात क्लियर है मीत, मैं आज के बाद ना मानुषी का कभी नाम सुनना चाहता हूं, ना जिंदगी में कभी उसका चेहरा देखना चाहता हूं। मैं मेरे मन में अब मानुषी को लेकर कोई सवाल नहीं, क्योंकि मानुषी मेरी जिंदगी का वो ग्रे चैप्टर है जो मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता हूं। मीत, मैंने जो सबके सामने कहा ना, उसका कोई मतलब नहीं है, बट हाँ ये सच है कि मैंने मानुषी को दिल से प्यार किया था, पूरी शिद्दत से प्यार किया था, और हाँ वो मेरे दिल में है, लेकिन बस एक जलते हुए खोलते हुए लावा की तरह, और जब तक वो लावा मेरे अंदर खोलता रहेगा ना मीत, ना मैं अपने आप को खुश रख पाऊंगा और ना अपने आसपास के लोगों को। जब तक मानुषी मेरे दिल में रहेगी, ना मैं अपने लिए कभी कुछ कर पाऊंगा, ना मैं अपनों के लिए कभी कुछ कर पाऊंगा मीत। और यो लावा तब तक शांत ना होगा जब तक तन्ने तेरे सवालों के जवाब ना मिल जाते। मम्मी से बात करूंगी कि वो अपनी कसम वापस ले, और मन्ने परमिशन दे कि मैं तन्ने मानुषी दीदी से मिलवा सकूं।